हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिपब्लिका श्रीधम यूट्यूब चैनल। साथी, आपका अपना ऐप रिपब्लिका ऐप पर सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर पर डिस्कशन करेंगे, करंट का क्वेश्चंस, और वो भी करंट लेटेस्ट, यानी अभी मार्च 2021 चल रहा है, तो मार्च में जो करंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हो रही है, घटनाएं पर डे हो रहा है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, उन सबको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसका सोर्स न्यूज़पेपर होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी मैगजीन में नहीं आ पाती है, पत्र का जो भी आप पढ़ते हो कवर नहीं हो पाता है, लेकिन न्यूज़पेपर की सारी चीज़ें में बहुत ही माइक्रो लेवल पर बारीकी से चीज़ें होती हैं। तो आइए, ये आपके किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वह प्रोजेक्ट मैनेजर हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, बैंकिंग एसएससी, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, और सर्टेनली यहाँ से क्वेश्चंस फंसेगा, ऐसी हमारी इच्छा है, आकांक्षा है। ठीक है, आइए हम लोग बात करेंगे कुछ और। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को लेते हैं। तो यह जो क्वेश्चंस है, पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाल ही में कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है। ठीक है, तो ओलंपिक, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ओलंपिक गेम जो है वह कहाँ होने वाला है, इस बार टोक्यो में होने वाला है 2021 में इसी साल, और इसमें पहली बार तलवारबाजी के लिए भारत से कोई क्वालिफाई की है महिला, तो क्या नाम है उसका, कमला चौधरी। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम भी आपने सुने होंगे, लेकिन बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस बन सकता है एग्जाम्स में। तो वह कमला चौधरी है, या फिर सुगंधा सिंह है, या सी रानी प्रताप है, या फिर भवानी देवी हैं। ठीक है, यहाँ की चीज़ को यहाँ ही याद करते चलें साथ, तो सबसे बेहतर है। तो तलवारबाजी यानी देवी, भवानी देवी, कोरिलेट कीजिए किसी भी ढंग से, मेथड ऑफ एसोसिएशन से। ठीक है, तो चीज़ें याद हो जाएगी, कि जैसे झांसी की रानी थी, उसी ढंग से भवानी देवी है, बिल्कुल ही भगवती के रूप में प्रथम बार कोई महिला क्वालिफाई की है, बहुत ही अच्छी बातें हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भवानी देवी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हैं। अच्छा, ये रिपब्लिका का ऐप है, जिन लोगों ने ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लेंगे, खासकर प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए बहुत सारी चीज़ें इस पर ऐप है, पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल हो, वीडियो क्लास हो, या हार्ड कॉपी हो, टेस्ट सीरीज हो, सारी चीज़ें हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, सर्टेनली इसका फायदा उठाइए, ऐप से जुड़िए। यूट्यूब पर तो कभी कल आता हूँ, ठीक है, ऐप पर सारी चीज़ें हैं, इसके लिए फुल प्रोजेक्ट कोर्स है, तो इसका फायदा आपको उठाना है। और एग्जाम की डेट के बारे में मैं बता चुका हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जाम कब होगा। ठीक है, 5 को हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है पिछले वीडियोज में, तो उसको आप लोग देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, पीछे की चीज़ों को भी आप लोग देखते रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति, ठीक है, फेमस पर्सनैलिटी है लक्ष्मण पाई का निधन हुआ है, आप लोग न्यूज़पेपर में देखे होंगे, बिल्कुल ही एक सप्ताह की सारी चीज़ें हैं। तो उनका निधन हुआ है, वह किस फील्ड के थे, चित्रकार थे, गायक थे, लेखक थे, अभिनेता थे, क्या आप लोगों की राय है, क्या थे वो, गायक थे लक्ष्मण पाई क्या थे, एक मैं बता दे रहा हूँ, चित्रकार थे लक्ष्मण पाई, चित्रकार थे, और उन्हें पद्मश्री भी मिला था, पद्म विभूषण भी मिला था। ठीक है, पद्मश्री, पद्म अवार्ड में पद्मश्री, पद्म भूषण भी मिला था। ठीक है, साथ ही ललित कला अकादमी अवार्ड भी दिया गया था, नेहरू पुरस्कार भी दिया गया था, गोवा से थे, तो गोवा में जनरली लोग इस प्रकार का टाइटल लगाते हैं, पई टाइटल लगाते हैं। तो लक्ष्मण पई बिलोंग्स टू गोवा, एंड वो क्या थे, एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे, चित्रकार थे। ठीक है, डन, याद रहेगा लक्ष्मण पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीकाकरण वैक्सीनेशन डे। अभी पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में वैक्सीनेशन का दौर काफ़ी चल रहा है, कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन है, कोवैक्सीन आदि, ठीक है। तो यह कब हम मनाते हैं? 13 मार्च को मनाते हैं, या 15 मार्च को मनाते हैं, या 16 मार्च को मनाते हैं, या 18 मार्च को मनाते हैं? क्या आपकी राय है, कब मनाते हैं हम लोग? तो वैक्सीनेशन डे इंडिया में वैक्सीनेशन डे हम लोग मनाते हैं 16 मार्च को। कब मनाते हैं? 16 मार्च इज द राइट आंसर। 16 मार्च हमारा सही आंसर है, ये आपका सही आंसर है 16 मार्च। 16 मार्च को ही, 16 मार्च को पहली बार 1995 में पहली बार टीकाकरण इंडिया में शुरुआत हुई थी। और मतलब राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, सॉरी, पहली बार वैक्सीनेशन नहीं, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस को मनाना मैंने 16 मार्च 1995 को शुरुआत किया था। और इसी क्रम में हम लोग पोलियो वैक्सीनेशन, पोलियो की जो वैक्सीन है वह भी शुरुआत हुई थी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं 2014 में आकर के पोलियो मुक्त इतना इफेक्टिव रहा था इंडिया में कि इसे पोलियो मुक्त कर दिया गया, ठीक है, पोलियो मुक्त कंट्री के रूप में इसकी घोषणा की गई है 2014 में, ठीक है। तो 1995 और 2014 और अभी 2021 चल रहा है, तो याद रखेंगे, क्योंकि कोविड-19 का बिल्कुल ही दौर चल रहा है जिसमें इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि कब वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। तो यह हमारा 16 मार्च है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस है? नेक्स्ट क्वेश्चंस है, प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता, ये तो हल्का क्वेश्चन है, सब लोग जानते होंगे, प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। देखिए, बिल्कुल ही पेपर की चीज़ें आपको दिख रही है पेपर में, अभी एक दिन पहले ही आज 16 मार्च है, 15 मार्च को आपने देखा होगा कि बिहार के न्यूज़पेपर में, मैं भी देखा था कि फागु चौहान माननीय राज्यपाल महोदय ने विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की उनकी आई थी। तो यह हम 15 मार्च को मनाते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन रहा है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो 15 मार्च को हम लोग विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं, ठीक है, ताकि कंज्यूमर्स का राइट का प्रोटेक्शन हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए चीज़ें याद हो रही है यहाँ की चीज़ें, और बिल्कुल ही लेटेस्ट ताज़ा खबरें आपको मिल रही है, ठीक है। इस सारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर जो प्रोजेक्ट मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं या फिर और भी कोई एग्जाम्स नियर बाई है एकदम से, तो वहाँ में वहाँ पर देखें कि लेटेस्ट क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसको जरूर देख जाना है, और वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आपको। हाल ही में कौन T20 जस्ट अभी क्या हुआ है, इंडिया और इंग्लैंड का क्या हो रहा है, वनडे हुआ है, टेस्ट सीरीज हुआ है, और अब T20 भी चल रहा है। तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी बने हैं, ठीक है, प्रथम खिलाड़ी बने हैं। तो कौन होगा, बिल्कुल ही आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, इंडिया से विराट कोहली हैं। अच्छा, पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने प्रथम खिलाड़ी, मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पर प्रथम खिलाड़ी के रूप में T20 में बनाने वाले विराट कोहली हैं। ये इजी क्वेश्चन है, आप वैसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। T20 हाल ही में किसी ने 6 बॉल पर 6 सिक्सर मारा है, इसका भी नाम आप जानते होंगे कि किरण पोलार्ड है, ठीक है। तो इस टाइप की स्पोर्ट्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होता है, खासकर ये जो देखिए विराट कोहली हैं, सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज 12000 रन भी उन्होंने बनाया है, 12000 रन भी बनाया है, ठीक है, 12000 रन बनाया है सबसे तेज T20 में, तो हो ही गया, सबसे ज़्यादा रन 3000 रन बनाने वाला, इससे पहले 12000 रन सबसे तेज बनाने वाले रिकी पॉन्टिंग थे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के,
रिकी पोंटिंग, अब विराट कोहली का नाम आ गया 12,000 सबसे तेज रन बनाने वाला भी, और टी ट्वेंटी में सबसे 3,000 रन बनने वाले प्लेयर के रूप में विराट कोहली का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में कौन 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम सुनी, अब अंदाजा लगाइए कि 28 ग्रैमी, ठीक है ना, 28 ग्रैमी जितना कोई आसान काम नहीं होता है, एक दो मिलना मुश्किल होता है। इंडिया से आप सोच सकते हैं कि किनको मिला है ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, तो 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाले प्रथम महिला बन गई हैं, कौन है? शकीरा है, शकीरा पर आप लोगों को डाउट हो सकता है, या फिर मेडोना है, रिहाना, मेडोना पर भी डाउट हो सकता है, या रिहाना है, या बियोंसे है, कौन है, क्या है आप लोगों की मत क्या है, क्या आप सोच रहे हैं कौन होगा? तो इसका आंसर बियोंसे है, और ये 28 ग्रैमी अवार्ड टोटल अब तक जीत चुकी हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा इंग्लैंड की सर जॉर्ज शॉल्टी के नाम है, जिन्होंने 31 ग्रैमी अवार्ड जीता था। ठीक है, सर जॉर्ज शॉल्टी ब्रिटेन के, और लेकिन ये महिला है, प्रथम महिला जो बियोंस हैं महिला है, और 28 ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंग्लैंड की सर जॉर्ज शॉल्टी के नाम है, जिन्होंने 31 ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो याद रहेगा बियोंसे का भी, सर जॉर्ज शॉल्टी का भी, जो कि इंग्लैंड के हैं। ठीक है, आगे बढ़ें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मजा आ रहा है, कौन व्यक्ति हाल ही में उत्तराखंड, देखिए अभी जस्ट उत्तराखंड का मुख्यमंत्री चेंज हुआ है, रिप्लेस किया गया है, क्योंकि चुनावी वर्ष वहाँ पर आने वाला है, तो कौन व्यक्ति उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री बने हैं, नाम मिलता जुलता है, पहले कौन थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, अब हो गए हैं कौन, तो तीरथ, त्रिवेंद्र और तीरथ, नाम मिलता जुलता है इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तीरथ सिंह रावत। और ये तीरथ सिंह रावत क्या हैं, ये गढ़वाल से बिलोंग करते हैं, गढ़वाल से सांसद भी हुआ करते हैं। ठीक है, तो तीरथ सिंह रावत बहुत ही एक साधारण और मेहनती हैं ये। ठीक है, तो अंदाज़ा बहुत ज़्यादा नहीं था, हाई प्रोफाइल व्यक्ति नहीं रहे हैं, लेकिन इनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत के बदले तीरथ सिंह रावत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लें, कि सारा लेटेस्ट आपका आ रहा है। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को वर्ष 2021 का FIAF, ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन फिल्म अवार्ड होता है, कुछ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो कौन है जो FIAF के अवार्ड से जिनको नवाजा गया है, तो वह हैं, हम लोग जानते हैं, क्या पेपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, परेश रावल नहीं, अनिल कपूर साहब बिल्कुल नहीं, सदन सनाद बिल्कुल नहीं, अमिताभ बच्चन साहब हैं, इनको FIAF के अवार्ड से, ठीक है, नवाजा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, याद रहेगा, एक बार यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेंगे तो चीज़ें आपकी बिल्कुल ही याद होती जाएगी। हाल ही में कौन 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली, तो पुरुषों में तो महिला भी क्यों पीछे रहें, उधर 12,000 सबसे फास्टेस्ट रन विराट कोहली ने बनाया है, तो 10,000 रन बनाने वाली भी प्रथम भारतीय महिला के रूप में कौन है, मिताली राज। यहाँ की चीज़ यहाँ ही याद हो जाना चाहिए, मिताली राज काफ़ी तेज तर्रार प्लेयर है, हरमनप्रीत कौर भी बहुत अच्छा खेलती हैं, लेकिन अभी यंग हैं इनके कंपेरिजन में, झूलन गोस्वामी बहुत अच्छी बॉलर है, स्मृति मंधाना भी काफ़ी अच्छा खेलती हैं, लेकिन अनुभवी प्लेयर है, सबसे अनुभवी प्लेयर मिताली राज है, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले क्रिकेटर के रूप में इनका नाम आया है। ठीक है, इससे पहले इंग्लैंड की एक रही हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो उनके नाम है 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसे
संसद टीवी का प्रथम सीईओ। तो हुआ क्या है कि भाई राज्यसभा चैनल भी रहा है, लोकसभा चैनल भी अलग है, तो ये अलग अलग दिखाने की क्या आवश्यकता है, या इसके लिए मतलब दिखाने के लिए नहीं, दो टीवी चैनल एक ही संसद का, तो दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी। वैसे ही मर्जर का जमाना चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, और मोदी साहब तो बैंकों का ही विलय सोच सकते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ें हुआ है कि दोनों को जोड़ दिया गया है, विलय कर दिया गया है। जैसे रालोसपा का विलय जदयू में हो गया है, ये इसको भी आप इसी एंगल से लीजिए कि अपने आप को विलय करके आप ज़्यादा यूनाइट हो रहे हैं, ठीक है। तो रवि कपूर साहब को क्या है इसका, आयुष प्रताप ने जबकि जगदीशन ने रवि कपूर हैं इसका आंसर। रवि कपूर को प्रथम सीईओ नियुक्त किया गया है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर क्या नाम रखा गया है, तो ऑब्वियसली क्या नाम होगा। अगर मान लीजिए आप नहीं भी जानते हैं तो एक कॉमन सेंस के आधार पर बहस टीवी तो होगा नहीं, भारत टीवी की पॉसिबिलिटी है, मुद्दा टीवी कोई बकवास है, संसद टीवी का नाम एक लग रहा है कि सही है, दोनों को मिला करके संसद टीवी। तो राइट आंसर इज डी, संसद टीवी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया गया है, AK श्रीवास्तव हैं, JP सामंत हैं, DG माथुर हैं, या PK भोसले हैं, तो बस याद रखिए कि GP सामंत को बनाया गया है, ठीक है, जीपी सामंत को नई मुख्य सांख्यिकीविद बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लें, हाल ही में जारी 2020 की वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, हाँ इम्पोर्टेंट है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत काफ़ी नीचे गिर गया है, 26 स्थान नीचे गिर गया है, और उसको जो पोजीशन मिला है वह मिला है 105वां पोजीशन है। कौन सा पोजीशन है, 105, ठीक है, काफ़ी शुभ माना जाता है, 100 रुपये के साथ 5 रुपये एक्स्ट्रा है ना, 105वां पोजीशन, 26वें पोजीशन की लॉस हुआ है नीचे, और इसमें फर्स्ट पोजीशन पर इसमें भारत का पोजीशन 105वां 26 अंक नीचे गिर करके है। हांगकांग फर्स्ट पोजीशन पर है, और सिंगापुर, ठीक है, राइट, सिंगापुर और हांगकांग फर्स्ट पोजीशन पर, ठीक है। तो फर्स्ट याद रहेगा, सेकंड याद भी रहेगा, और भारत का पोजीशन 105वां यह याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ें हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ष 2020 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ दी, हाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ठीक है, का पुरस्कार जीता है। तो आप लोगों को डाउट हो सकता है कि पी वी सिंधु काफ़ी फेमस रही है, या हरमनप्रीत कौर भी काफ़ी फेमस रही है क्रिकेट में, काफ़ी तेज़ी से रन बनाती है, अदित्य चौहान या कोनाडू हम्पी। तो इसका आंसर होगा कि BBC के द्वारा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है किनको, कोनाडू हम्पी को, जो कि चेस से बिलोंग करती है, शतरंज से बिलोंग करती है। साथ ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये तो हो गया कि 2020 का, ठीक है, 2020 का इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ठीक है, लेकिन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, अंजू बेबी जॉर्ज को मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। याद होगा अंजू बेबी जॉर्ज का बहुत ही अच्छी एथलीट रही हैं, तो उनको मिला है। साथ ही जो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, मनु भाकर हरियाणा की है और क्या है, शूटर है, ठीक है, बहुत ही कम एज की है, अभी 12th का एग्ज़ाम और ये सारा चीज़ गेम साथ चल रहा है, अभी मुश्किल से ग्रेजुएशन वगैरह में मनु भाकर होगी, ठीक है, तो काफ़ी टैलेंटेड है ये। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लें तो याद रहेगा कोनरू हम्पी को मिला है, अंजू बेबी जॉर्ज के बारे में भी याद रहेगा, साथ ही मनु भाकर के बारे में भी याद रहेगा। मनु भाकर किया शूटिंग से रिलेटेड है। हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है महिला उद्यमियों के लिए, स्टार्टअप उन्नीत नामक प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि महिला उद्यमी है उनको प्रमोट किया जाए, उनको किसी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता हो तो इसकी एक बोर्ड होगी जो कि हेल्प करेगा उनको, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए, उनमें उद्यमी भाव। तो यह काम किया है HDFC बैंक ने, HDFC बैंक ने एक काम किया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, HDFC, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लें, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र की शुरुआत हुआ है, तो ऐसे ही अंदाजा लगाइए किस राज्य में हो सकता है, हिमाचल हो सकता है या उत्तराखंड हो सकता है या कोई और नॉर्थ ईस्ट हो सकता है, तमिलनाडु हो सकता है। तो चलिए मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर उत्तराखंड होगा। और उत्तराखंड में रानीखेत एक जगह है, तो रानीखेत के पास, ठीक है, रानीखेत के पास एक जगह है कालिका जगह पर, ठीक है, उत्तराखंड में कालिका रानीखेत के पास है, ठीक है, रानीखेत। और रानीखेत राजा हिंदुस्तानी फिल्म में वहाँ फिल्माया गया है, आमिर खान की फिल्म है, ठीक है, तो फेमस हुआ था फिल्म काफ़ी भी, और रानीखेत वहाँ पर बार बार दिखाया गया है। तो उत्तराखंड में कालिका जगह जो कि रानीखेत के पास है वहाँ पर बनाया गया है इसे। और यह जो एरिया है, चीर का पेड़ होता है, चीर के पेड़ों की बहुतायात है, बड़ी संख्या में चीर का पेड़, और माना जाता है कि जो चीर का पेड़ होता है कि विभिन्न प्रकार की बीमारी वाले प्राणियों से बचने के लिए कुछ तैलीय तत्व निकालता रहता है, ठीक है, निकालते रहता है, जिससे उसका भी प्रोटेक्शन होता है। और इसी पर्पज से ठीक है, तो यहाँ यह किया गया है। तो याद रहेगा पहला वन चिकित्सा केंद्र की शुरुआत की गई है उत्तराखंड में, ठीक है, कालिका जगह पर। हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे, अंशुमन सिंह काफ़ी फेमस रहे हैं और मेरे हिसाब से राजस्थान और गुजरात के रहे हैं ये राज्यपाल। हाँ, ऑप्शन में राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, गुजरात और मणिपुर, बिहार। तो राजस्थान, गुजरात के यह गवर्नर रहे हैं, हाल ही में इनका निधन हो गया है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में जन औषधि दिवस, ठीक है, जन औषधि दिवस, पब्लिक मेडिसिन डे दिवस कब मनाया जाता है, तो लोगों में है कि जागरूकता बढ़ाने के लिए, साथ ही जो जेनरिक मेडिसिन है वह जन औषधि के रूप में कहा जा सकता है, क्योंकि वह सस्ता होता है, काफ़ी इफेक्टिव होता है, जांचा परखा होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को जानकारी जेनरिक मेडिसिन के रूप में नहीं होती है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और महंगा और ब्रांडेड दवा लिख देता है, जबकि जेनरिक दवा कहीं ना कहीं ज़्यादा इफेक्टिव होता है लेकिन पॉपुलर हो जाता है, सस्ता हो जाता है, इसलिए जो डॉक्टर होते हैं अपनी कहीं ना कहीं तौहीन समझते हैं। तो जन औषधि दिवस के रूप में 7 मार्च को, ठीक है, यानी महिला दिवस से एक दिन पहले हम इसे मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लें तेजी से, हाल ही में किस भाषा के मशहूर कवि एन एस लक्ष्मी नारायण भट्ट का निधन हुआ है। तो ये कन्नड़ के कवि हैं और आलोचक भी रहे हैं, तो इनका हाल फिलहाल निधन हो गया है। कन्नर याद रहेगा, इनको NSL भी बोलाता है, NSL, एन पूछा जा सकता है कि NLS के नाम से कौन फेमस है, तो NS लक्ष्मी नारायण डन कन्नर के हैं। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क, आई थिंक हैदराबाद होगा, देखिए ऑप्शन में क्या है, जयपुर है, चेन्नई है, भोपाल है, हैदराबाद है, तो इसका आंसर क्या है, हैदराबाद में ट्रांसजेंडर
सेंटर के रूप में, डेस्क के रूप में एस्टेब्लिश किया गया है। हाल ही में कौन भारतीय मूल की पहली मूल की महिला न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की मुख्य परिचालन अधिकारी बनी है, तो इनका नाम है नौरीन हसन। ठीक है, नौरीन हसन, आस्का नूर नहीं, मोहनी दास भी नहीं, प्रीति खोखले भी नहीं, नौरीन हसन। नौरीन हसन क्या है, नौरीन हसन यानी आपका जो सी ऑप्शन है, और न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की मुख्य परिचालन अधिकारी बनी है। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सब लोग जानते हैं, देखिए चूंकि ये पेपर का कलेक्शन है तो इसलिए क्या है कि आपको लेटेस्ट चीज़ें मिलेगी, हर एक दिन जो जो चीज़ें हो रही है उस दिन कौन सा दिवस है या फिर कोई पेपर कोई न्यूज़ में रहा है, तो सारी चीज़ें इसीलिए आपको मार्च का सारा दिख रहा है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से वगैरह में पूछा जा चुका है। ईज ऑफ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे शीर्ष स्थान मिला है, सबसे टॉप पर कौन रहा है, बॉटम पर कौन रहा है। तो 10 लाख से दो श्रेणी इसमें, 10 लाख से ऊपर और 10 लाख से नीचे की श्रेणी। तो 10 लाख से ऊपर की श्रेणी में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया में बेंगलोर जैसा शहर का पोजीशन अच्छा होगा, और बेंगलोर ही है 10 लाख से ऊपर वाले कैटेगरी में सबसे अच्छे पोजिशन पर, शीर्ष पोजिशन पर बेंगलोर है। तो वहीं दूसरी ओर बरेली धनबाद जैसा शहर कुछ ऐसा शहर है जो कि सबसे बॉटम पर है 10 लाख से ऊपर वाले एरिया में। ठीक है, मतलब कैटेगरी में बरेली हो गया, धनबाद हो गया, ये नीचे पोजीशन पर है। और इसमें फिर 10 लाख से नीचे वाले एरिया में, ठीक है, 10 लाख से नीचे वाले एरिया में, अच्छा इसमें श्रीनगर भी है, बेंगलुरु तो ऊपर में है लेकिन बॉटम में बता दिया, बरेली धनबाद और श्रीनगर बॉटम पर है 10 लाख से ऊपर। वहीं 10 लाख से नीचे की कैटेगरी में कौन सा शहर सबसे ऊपर है, तो शिमला, शिमला सबसे अपेक्स पर है। ठीक है, शिमला का पोजीशन सबसे अच्छा है, बहुत ही सुंदर सा जगह है शिमला, छोटा सा टाउन है, और इसी में यानी 10 लाख से नीचे की कैटेगरी में जिसमें शिमला, जो शिमला जिसमें 10 लाख से नीचे वाली जो कैटेगरी है इसमें शिमला जो है क्या है, सबसे ऊपर है। ठीक है, सबसे ऊपर है फर्स्ट पोजीशन पर, और इसमें बिहार का मुजफ्फरपुर सबसे बॉटम पर है। ठीक है, और ऊपर में समझ लिया 10 लाख से अधिक वाले में बेंगलुरु हो गया, लेकिन नीचे में धनबाद है, बरेली है, श्रीनगर है। डन, याद रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ें हम लोग, ज़्यादा टाइम को कंज्यूम नहीं करना है यहाँ पर। किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च हुई है, पहली इंजीनियरिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट पॉलिसी, तो किसमें हुआ है, देखिए कर्नाटका इस पर काफ़ी काम कर रहा है, और कर्नाटका में ऐसा हुआ काफ़ी एक प्रोग्रेसिव मॉडर्न स्टेट है, काफ़ी एक डेवलप्ड स्टेट है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, महिला दिवस से 4 दिन पहले, ऐसे याद रखना है। हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले, जस्ट भी हुआ है एक सप्ताह पहले की घटना है, 6 छक्का लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं, तो किरण पोलार्ड, मैं बता चुका हूँ वेस्ट इंडीज़ के हैं और इन्होंने ऐसा कारनामा किया है। ठीक है, ये दूसरे प्लेयर हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO बने हैं, तो ये हैं माटम वेंकट राव को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का MD CEO बनाया गया है। इससे पहले वो कैनरा बैंक में थे, माटम शाह वेंकट राव में भी साउथ के तो हैं ही, साउथ में से किस स्टेट के हैं मैं नहीं कह सकता हूँ। प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं खासकर, तो आप देख लीजिए इसमें ये टेस्ट सीरीज वगैरह की शुरुआत हो चुकी है, बहुत सारा क्वेश्चंस है, ये सब क्वेश्चंस मैं ऐप पर डाल दूंगा, तो ऐप पर जरूर जाइए, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है। ठीक है, इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो चुकी है, तो इसमें टेस्ट सीरीज से
टेस्ट सीरीज से जुड़ जाएंगे। एक टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, ठीक है। बाकी हार्ड कॉपी भी जिन लोगों को चाहिए, चूँकि एग्ज़ाम का डेट बढ़ गया है ऑलमोस्ट, तो एग्ज़ाम का डेट बढ़ गया है, तो इसका फ़ायदा सब लोग कोशिश कीजिए, जो लोग भी हमारी बात को सुन रहे हैं, कि सर्टेनली मंगवा लीजिए। काफ़ी फ्रूटफुल है, मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आएगा, आ सकता है, चाहे वह करंट का हो, 12-13 बुकलेट मिल रहा है, इकोनॉमी इंडस्ट्री का हो, आपके लिए सर्टेनली फ्रूटफुल होगा। टेस्ट सीरीज से भी जुड़िए, और किसी भी ढंग की कोई आपको जानकारी चाहिए या लिंक चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, एडमिशन के लिए, तो यह जो व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ जाएंगे, 7676785990 पर अपना नाम और प्रोजेक्ट मैनेजर लिख करके भेज देंगे, ठीक है। और डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसी पर आप फ़ोन भी कर सकते हैं, बातें करने कर लेंगे, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो, ठीक है। बिल्कुल ही बात करने से हेजिटेट आपको नहीं होना है, ये सारी चीज़ें चूँकि आप लोगों के लिए है, तो ये टोटल 11 टेस्ट का एक शेड्यूल है, इस टेस्ट से आप लोग जुड़ जाएंगे। मैं डिटेल में व्हाट्सअप भी कर दूंगा आप लोगों को, तो व्हाट्सअप पर आपको जुड़ना होगा, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग इसमें लेकर के आगे बढ़ेंगे, बाकी इसके बारे में मैं बता ही चुका हूँ, ऐप से जुड़िए और इसका फ़ायदा उठाइए, हार्ड कॉपी मंगवा लीजिए, वीडियो क्लास है, सारी चीज़ें, मतलब जो भी चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए सारी चीज़ें, रिपब्लिका ऐप पर कोर्स चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, एक छोटे से एक नॉमिनल फी के साथ आपको जुड़ना है और इसका फ़ायदा उठाना है, अपने लिए एक सीट आपको ज़रूर ज़रूर सुरक्षित कीजिए। एग्ज़ाम का डेट बढ़ने की पूरी पॉसिबिलिटी है और उसका ही फ़ायदा आपको उठाना है, हालांकि बहुत आगे नहीं, 10 दिन ही आप समझिए, मान के रखिए 1-10 दिन आगे केवल बढ़ रहा है। तो ओके, बाय, टेक केयर, किसी ढंग की कोई आवश्यकता होगी तो आप ज़रूर ज़रूर जुड़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले, तो शेड्यूल का हो गया, ठीक है, और सारी चीज़ें डिस्कशन हो चुका है, डन। तो ओके, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।